ये चालसा स्टेशन के बाहर का नजारा है, बहुत ही सुंदर। हमारी टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ये और 20-25 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है। ये नॉन एसी 2S कोच का इंटीरियर है, ये भी काफी सुंदर है, आप लोग इसे भी सफर कर सकते हो। सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन तक का इसका भाड़ा लगभग 90 रुपया है, जो काफ़ी सस्ता भी है। हमारी ट्रेन चालसा स्टेशन से छूट चुकी है और अब हम लोग अभी हासीमारा की तरफ बढ़ रहे हैं। रेलवे ट्रैक डुअर्स के जंगलों के अंदर घुस चुकी है। वीडियो में दिखाया गया जंगल चापरामाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ट्रेन के दूसरी तरफ गोरुमारा नेशनल पार्क है। दोनों जंगले काफ़ी घने जंगले हैं। इन दोनों जंगलों में एलिफेंट्स, राइनोस, वाइल्ड बाफेलोस भरी तादाद में मिलते हैं। यहाँ पे लेपर्ड्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। चालसा डुअर्स में एक छोटा सा कस्बा है और यह कस्बा चाय का बगान नदी जंगले पर्वतों से घिरा हुआ है।
हम लोग हासीमारा पहुंच चुके हैं। टूरिस्ट ट्रेन जिससे हम यहाँ तक आए वो हासीमारा छोड़ रही है। आप लोग देखिए विस्तादोम की छत ऊपर से कैसा लगता है। हासीमारा स्टेशन के बाहर आ चुके हैं हम लोग। ये स्टेशन प्रीमाइसेस ही है पर बाहर का नज़ारा है, बहुत ही शांत वातावरण, बेहतरीन अनुभूति है। हासीमारा के बहुत ही नज़दीक बॉक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कार रेंटल लेके वहाँ तक जा सकते हो। हालांकि अलीपुरद्वार जंक्शन से भी बॉक्सा टाइगर रिजर्व हम लोग जा सकते हैं। बॉक्सा टाइगर रिजर्व एक्चुअली अलीपुरद्वार जंक्शन और हासीमारा के बीचों बीच है। अब लौटने की बारी। हम लोग हासीमारा से ट्रेन लेके सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ने लगे। अगले ब्लॉग में हम लोग DHR की स्टीम लोको से खींची गई जंगल सफारी वाली दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की यात्रा को आपके सामने रखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।